हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माय नेम इज़ प्रीति फ्रॉम हार्टोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हमें एक एमएस वर्ड के अंदर कोई भी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है या फिर आपके पास कोई डाटा है, उस डाटा के थ्रू आपको कोई चार्ट बनाना होता है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं. तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं. एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे. तो आपके पास ही एमएस वर्ड ओपन हो गया. इसको मैं मैक्सिमाइज करती हूँ. तो एमएस वर्ड के अंदर अब बात आती है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक होता क्या और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं. तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आपका क्या हो सकता है कि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऑप्शन का यूज़ हम करते किस लिए हैं. तो जब आपको किसी भी डाटा को किसी भी पिक्चर के थ्रू जब आपको विजुअलाइज करवाना है, यानी जब उसको शो करवाना होता है ताकि हम इजीली किसी डेटा को कम्युनिकेट कर सके. अगर मैं किसी डाटा को बोलूँगी तब हमें थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन जब उसी डाटा को आप पिक्चर के थ्रू समझाते हो तब आप इजीली उसको समझ सकते हो. तो तब हमें जब कुछ इस तरीके का ही काम करना है, किसी भी डेटा को पिक्चर के थ्रू समझाना होता है, तब हम यूज़ करते हैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का. तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आपके कुछ इस तरीके से शो होते हैं जब आप उसको तैयार करते हो, जैसे ये है. इसके बाद कुछ इस तरीके जब आपको मैनेजमेंट्स को शो करवाना है डिफरेंट लेवल्स में, अगर आपको कुछ इस तरीके से किसी की प्रोसेसिंग शो करवानी होती है तब हम कुछ इस तरीके के इनका यूज़ करते हैं. अब हम बात करते हैं यहाँ से कि यही सारे ऑप्शन का यूज़ हम एमएस वर्ड में कैसे करेंगे. तो अब एमएस वर्ड के अंदर सबसे पहले आप जाओगे इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब के अंदर आप क्लिक करोगे स्मार्ट आर्ट पे. स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया हमने. जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं. तो यहाँ से ये कुछ टाइप्स हैं आपके, फर्स्ट लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड. तो ये आपके कुछ स्मार्ट आर्ट के टाइप्स हैं. तो आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करके उसको ईजिली इंसर्ट कर सकते हो. तो मैंने यहाँ से ये वाला स्मार्ट आर्ट चूज़ कर लेते हैं. आप कोई भी रैंडम चूज़ कर सकते हो. मैंने यहाँ से इस पर क्लिक किया, देन ओके किया. आपके पास ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट हो गए. अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे ही हमने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट किया तो आपके पास ये दो नई टैब ओपन होके आ गए हैं, डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब. तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैं इसके अंदर एक डेटा लिख लेती हूँ. यहाँ लिखा मैंने इनपुट डिवाइस, यहाँ लिखा मैंने कीबोर्ड और यहाँ लिख दिया मैंने माउस, कुछ इस तरीके से. अब आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ रहा है, इसके अंदर एक पिक्चर का सिंबल भी है. यहाँ पे कुछ सिंबल्स बन के आ रहे हैं. इस सिंबल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक पिक्चर का ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू आप इसके अंदर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से. पिक्चर्स, सैम्पल पिक्चर्स, कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके अंदर पिक्चर को इंसर्ट करेंगे. अब हम बात करते हैं कि मैंने पिक्चर इंसर्ट कर ली है. अब यहाँ से ऑप्शन बनता है नेक्स्ट, ऐड बुलेट का, ऐड शेप, राइट टू लेफ्ट, लेआउट, प्रमोट, डिमोट, टेक्स्ट पैन. इन सभी ऑप्शन का काम क्या होता है. जैसे अब आपके पास ये शेप है, अभी आपके पास सिर्फ तीन ही शेप आई हैं. मैं चाहती हूँ कि मुझे चार शेप चाहिए ताकि मैं और डाटा लिख सकूँ. तो सबसे पहले तो उस शेप को सिलेक्ट कर लो जिसके बाद आपको या जिससे पहले आपको शेप चाहिए. मुझे सबसे लास्ट वाले के नीचे एक और शेप चाहिए. तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उस शेप को, ऐड शेप पे जाके आप क्लिक करोगे ऐड शेप आफ्टर पे, अगर उसके बाद चाहिए. अगर इस सिलेक्टेड शेप से अगर आपको इससे पहले इंसर्ट करवाना है तब आप ऐड शेप बिफोर पे क्लिक करोगे. मुझे इसके बाद चाहिए, मैंने ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक किया. ये आपके पास एक शेप इंसर्ट हो गई है. डिलीट करना चाहते हो सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दो. मैं चाहती हूँ इससे ऊपर एक और शेप आए तो ऐड शेप पे जाके आप ऐड शेप बिफोर पे क्लिक करोगे. तो इससे ऊपर क्या हो जाएगी, आपके पास एक शेप इंसर्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से कर लोगे. यहाँ तक मुझे ये शेप नहीं चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट किया. देन हम क्या बटन प्रेस करेंगे, डिलीट. अब आप नोटिस कर रहे होगे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट डिवाइस, अब इनपुट डिवाइस के अंदर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कीबोर्ड और माउस. अब अगर मेरे को और भी पॉइंट्स लिखने हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, तो वो मैं कैसे लिखूं? यहाँ तो ऑप्शन ही सिर्फ दो के लिए आ रहा है. तो आप कर्सर रखो माउस पे, इसके बाद में आप चले जाओगे ऐड बुलेट पे.
आगे वहाँ पे बुलेट, अब यहाँ पे आप काम करो। फिर इसके बाद चाहिए ऐड बुलेट पे क्लिक किया, यहाँ से जाके आप क्लिक करो और टाइप करो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपकी जो पिक्चर है वो कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में है राइट साइड में है? लेफ्ट साइड में है। मुझे ये पिक्चर राइट साइड में चाहिए, तो आप यहाँ से राइट टू लेफ्ट के ऊपर क्लिक करो, वो पिक्चर ऑटोमेटिकली आपकी स्विच करेगी कुछ इस तरीके से। कर सकते हो? अब मैं कंडीशन ये देना चाहती हूँ कि ये जो आपका माउस है ये आपको मेन हेडिंग लगे, जैसे यहाँ पे इनपुट डिवाइस मेन हेडिंग लग रही है ना, वैसे इस माउस को भी आपको मेन हेडिंग बनानी है। तो आप क्या करोगे, माउस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से क्लिक करोगे प्रमोट पे। जैसे ही आप उसको प्रमोट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपकी एक मेन हेडिंग बन जाएगी। मैं चाहती हूँ फिर से पहला जैसा हो जाए, यानी उसका सब पार्ट ही लगे, तो आप इसी को ही सिलेक्ट करके यहाँ से क्लिक कर दोगे डिमोट पे, कर लोगे। अगर आपको इसको क्या बनाना है, मेन हेडिंग बनानी है, तो सिलेक्ट करो प्रमोट के ऊपर क्लिक करो, वो आपकी मेन हेडिंग बन जाएगी। अगर आपको इसको पहले जैसा करना है, वापस इसका सब पार्ट ही चाहिए आपको, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे डिमोट पे कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं, यहाँ से एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट पैन का। टेक्स्ट पेन का काम क्या होता है, जब आपको कंडीशन ये देनी है कि मैं इस पे काम करूँ तब भी इस पे नोट होता रहे, और एक बॉक्स आ रहा है उसके ऊपर भी काम करूँ तब भी आपका स्मार्ट आर्ट पे ही काम चले। यहाँ से मैंने टेक्स्ट पेन पे क्लिक किया, यहाँ पे बॉक्स आ रहा है। अब यहाँ पे आप जो जो चेंजेस करोगे, यानी स्कैनर की जगह मैं कुछ और लिखना चाहती हूँ, यहाँ देखो स्मार्ट आर्ट में ऑटोमेटिकली वहाँ से वो हाइड हो गया। यहाँ मैंने लिखा मैंने जॉयस्टिक, हो गए यहाँ पे भी नॉट ऑटोमेटिकली। अब मैं नेक्स्ट जो आपका पार्ट है उसमें लिखा मैंने यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे लिखा मैंने मॉनिटर। तो ऑटोमेटिकली देखते जाओ वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली टाइप हो रहा है। स्मार्ट आर्ट में लिख के देखे, यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ लिखा मैंने प्रिंटर, तो टेक्स्ट पैन के अंदर भी ऑटोमेटिकली आपको शो हो रहा है। कर सकते हैं यहाँ तक? तो आप टेक्स्ट पैन के थ्रू भी डाटा लिख सकते हो और स्मार्ट आर्ट के थ्रू भी क्या लिख सकते हो, डाटा लिख सकते हो। वापस हटाना इसको, इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दो, वहाँ से वो टेक्स्ट पैन वापस गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, अब मैंने यहाँ तक ये ऑप्शन तो सारे के सारे यूज़ करके देख लिया कि इनका काम क्या होता है, लेकिन बाद में मेरे को ध्यान आता है कि ये जो हमने स्मार्ट आर्ट का टाइप उठाया हुआ ये नहीं चाहिए था, कोई दूसरा स्मार्ट आर्ट चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है लेआउट्स का। लेआउट्स के अंदर यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आइकन है, इस पर क्लिक किया, यहाँ से जाके आप वो कोई भी लेआउट चूज़ कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। मुझे ये चाहिए, क्लिक करेंगे वही लेआउट वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये चाहिए इस पर क्लिक करो कुछ इस तरीके से। तो जब आपको इसके ग्राफिक्स का ही लेआउट चेंज करना होगा तब आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। मुझे पहले जैसा करना है, तो ये था हमारा पहले स्मार्ट आर्ट, इस पर क्लिक कर दिया तो वापस क्या हो जाएगा, आपका लेआउट पहले जैसा पहले की तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके जो स्मार्ट आर्ट है इसका जो कलर है वो क्या चल रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर चल रहा है। मैं चाहती हूँ ग्रीन की बजाय कोई दूसरा कलर आए, यानी स्मार्ट आर्ट का कलर चेंज करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी। तो आप यहाँ से जाओगे चेंज कलर ऑप्शन पे, चेंज कलर पे क्लिक किया मैंने, यहाँ से जाके आप कलर को सिलेक्ट करो जो भी आपको चाहिए, ये चाहिए इस पर क्लिक करो, वहाँ से वो कलर चेंज हो गया। ये चाहिए इस पर क्लिक करो कुछ इस तरीके से, कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास स्मार्ट आर्ट स्टाइल का। स्मार्ट आर्ट स्टाइल का काम होता है जब आपको किसी भी पिक्चर के ऊपर थोड़े से रियलिस्टिक इफेक्ट देना है, ताकि वो क्या लगे आपका, थोड़े 3D मोड में लगे, इफेक्टिव सा लगे। इस पर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ देखो ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट चेंज हो गया इसका। मैं चाहती हूँ 3D में बने, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करोगे तो ये 3D के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। हो गया 3D में कन्वर्ट, इस तरीके का देना, इस पर क्लिक कर दो, तो फिर से क्या हो जाएगा आपका 3D के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कर सकते हैं यहाँ तक? अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट ऑप्शन बनता है इसके अंदर रीसेट ग्राफिक का। रीसेट ग्राफिक का काम क्या होता है कि जब आपने स्मार्ट आर्ट को स्टार्ट किया, यानी जैसा आप स्मार्ट आर्ट लेके आए थे, उसको लेके आने के बाद में आपने जो जो चेंजेस किए हुए हैं,
जैसे उसका कलर चेंज किया हुआ है या फिर उसके अंदर कोई भी स्टाइल दिया हुआ है या फिर आपने उसको 3D के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, तो सारे के सारे चेंजेस अगर आपको एक ही बारी में हटाने हैं तो वो कैसे हटाएंगे? तो आप यहाँ से क्लिक कर दो रीसेट ग्राफिक पे, वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे चेंजेस क्या हो जाएंगे, वहाँ से डिस्कार्ड हो जाएंगे। कर सकते हैं यहाँ तक? मेरे को फिर से पहले की तरह करना है तो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया अंडू करने के लिए, तो आपका डेटा फिर से पहले जैसा हो गया। लेकिन अब मैं ये बोलती हूँ कि मुझे चेंजेस तो करने हैं लेकिन सारे चेंजेस नहीं करने, सिर्फ इसका 3D मोड हटाना है, बाकी सारे चेंजेस एज इट इज़ रहें, तो वो कैसे करेंगे? तो आप फॉर्मेट टैब पे जाओगे, फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट इन 2D का। एडिट इन 2D का ऑप्शन का यूज़ किया होता है कि जब आपको सिर्फ इसका 3D मोड को ही हटाना है और सारे चेंजेस रखने हैं तब हम यूज़ करेंगे एडिट इन 2D ऑप्शन का। इस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से वो क्या हो जाएगा, आपका 2D के अंदर पहले की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया पहले की तरह। अब ये जो आपकी शेप है ये थोड़ी छोटी है, इसको थोड़ा बड़ा करना है। सिलेक्ट किया, चेंज शेप पे जाके आप इसकी एक तो शेप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको शेप चाहिए कुछ इस तरीके से, जो भी शेप चाहिए आप यहाँ से चूज करते जाओ, उसी के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा आपका ग्राफिक। हम बात कर रहे थे साइज इंक्रीज करने की, लार्जर पे आप जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे साइज क्या होता जाएगा, उसका इंक्रीज होता जाएगा। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है। साइज को छोटा करना, आप स्मॉलर पे क्लिक करो, साइज क्या होता जाएगा आपका, स्मॉल होता जाएगा यानी छोटा होता जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक? तो जब आप यहाँ से क्या करना है, किसी भी डेटा को कम्युनिकेट करना है इजीली पिक्चर के थ्रू, तब आप यूज़ करते हो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे चार्ट का, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ज़रा। अब करते हैं हमारा काम। अब हम जाते हैं इंसर्ट पे, इंसर्ट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास चार्ट का। तो चार्ट आपको पता ही है कि जब आपको किसी भी डेटा को, मैथमेटिकल डेटा को एनालिसिस करवाना है यानी उसको शो करवाना है किसी भी चार्ट की फॉर्मेट में, बार में, कॉलम में, लाइन में, पाई में, तब हम यूज़ करते हैं चार्ट का। चार्ट के अंदर एक बात ज़रूर ध्यान रखना, चार्ट हमेशा सिर्फ उसी डाटा का बनेगा जब आपने वो टेबल या वो डाटा एक्सेल की शीट के अंदर बना रखा होगा। ठीक है, अगर मान लो आप कंडीशन ये देते हो कि मेरी टेबल तो एमएस वर्ड में बनी हुई है, उसका चार्ट बनाना है, तो वो आप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम चार्ट जितना भी बनाते हैं वो सारा का सारा एक्सेल के डेटा का ही बनता है। तो हम जाते हैं यहाँ से चार्ट पे, जो भी आपको चार्ट का टाइप चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। कॉलम चाहिए, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, स्टोक, सरफेस, जोनट, बबल, रडार, जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से क्लिक करोगे, वही आपका स्टाइल इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ से बात करती हूँ कॉलम चार्ट, कॉलम पे क्लिक किया मैंने, ओके किया, तो यहाँ देखो जैसे ही मैंने वो कॉलम चार्ट लिया यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सेल की एक शीट क्या हो गई है, एक्टिवेट हो गई है, हो रही है ना। यहाँ देखो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। तो ये जो आपके सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 यहाँ पे जो डिनोट करते हैं कि ये कलर कौन से एरिया को डिनोट करे, ये कलर कौन से को, तो इसे हम बोलते हैं लीजेंड्स। ठीक है, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब मान लो मुझे ये चार्ट का टाइप चेंज करना है कि यहाँ से जो चार्ट आ रहा है आपका, इसकी जगह पे कोई दूसरा चार्ट चाहिए, तो चेंज चार्ट टाइप पे जाके आप वो दूसरा चार्ट सिलेक्ट करो, देन ओके करो, आपके पास लाइन चार्ट आ गया। मुझे फिर से कॉलम पे जाना है, चार्ट टाइप, कॉलम, देन ओके, तो आप फिर से कॉलम चार्ट के ऊपर स्विच करोगे। अब मैं कंडीशन ये देती हूँ कि ये जो हमारा चार्ट है ना, इसको टेम्पलेट में सेव करना है। टेम्पलेट, चेंज चार्ट टाइप पे आप जैसे ही जाते हो, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ऑप्शन मिलता है ना टेम्पलेट्स का, इस टेम्पलेट के अंदर सेव करना आपको चार्ट को। तो कैसे करोगे, कोई भी चार्ट बनाया, सेव एज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया, अब आप यहाँ पे अपना नाम दे दो, जो भी देना चाहते हो, मैंने हार्ट्रोन दिया और इसको कर दिया सेव।
ठीक है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि वो जो आपका टेम्पलेट बना है वो सेव कहाँ पे हुआ है। तो चेन चार टाइप पे गए, टैम्पलेट्स पे गए, यहाँ पे आप देखो इसको, ये वाला हमारा, इस पर क्लिक किया, यहाँ नीचे शो हो रहा है ना कि हार्ट्रोन का चार्ट है ये, हार्ट्रोन के नाम से जो सेव किया हुआ था। तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी चार्ट टाइप को टैम्पलेट्स के अंदर सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्विच रो एंड कॉलम की। तो स्विच रो एंड कॉलम का काम क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, कैटेगरी फोर दिख रही होगी आपको। तो ये अभी क्या है, यहाँ देखो एक्सेल की शीट में, ये जो आपका डेटा है कुछ इस तरीके से, ये जो इस तरीके से डेटा, ये आपकी रोज है, और जो इस तरीके से डेटा है ये आपके क्या है, कॉलम्स है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि सीरीज़ वन, सीरीज़ टू, सीरीज़ थ्री कहाँ जाए, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, फोर की जगह पे, और ये कैटेगरीज कहाँ चली जाए, सीरीज़ की जगह पे। तो एक बार नोट कर ज़रूर कर लेना, हमेशा वो जो चेंज होगा यानी स्विच रो एंड कॉलम जो होगा वो आपको सिर्फ चार्ट के अंदर ही शो होगा, इस टेबल में शो नहीं होता हुआ दिखेगा। तो मैंने क्लिक किया स्विच रो एंड कॉलम पे, हो गए ना चार सीरीज, कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री, कैटेगरी फोर, यहाँ आ गए लीजेंड्स में, और यहाँ पे क्या आ गया, सीरीज़ वन, सीरीज़ टू, सीरीज थ्री। फिर से पहले की तरह करना है, स्विच रो एंड कॉलम पे क्लिक करोगे, रो का डाटा कॉलम में चला जाएगा और कॉलम का डाटा रो में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अभी आपकी टेबल कितने एरिया की बन रही है, कितने एरिया की बन रही है ना आपकी टेबल। मैं चाहती हूँ मुझे सिर्फ सीरीज़ वन, सीरीज़ टू, कैटेगरी वन, टू, थ्री, सिर्फ इतने की ही टेबल बनानी है, यानी इतने एरिया की टेबल बननी चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे, सिलेक्ट डाटा पे जाओगे आप, क्लिक किया मैंने सिलेक्ट डाटा पे, ये टेबल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रही है, दिख रहा है आपको यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन चल रही है। तो यहाँ से पहले इसको कर दो बैकस्पेस, कर दिया। अब यहाँ से एरिया सिलेक्ट करो जितने का आपको चार्ट बनाना है, इतने का ही बनाना है, सिलेक्ट किया। अब क्या करेंगे, ओके, बन गया आपका चार्ट उतने का ही, फिर से पूरे का ही बनाना है। तो अब तुम बताओ क्या करना है, सिलेक्ट डाटा पे जाएंगे, इसके बाद इसको बैकस्पेस करेंगे, इसके बाद एरिया सिलेक्ट करेंगे जितने का बनाना है हमने चार्ट, देन आप किस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ओके पे, तो आपका चार्ट फिर से उतने एरिया का बन जाएगा, कर सकते हो ना। अब मान लो कोई कंडीशन आपको ये देता है कि कैटेगरी वन, टू, थ्री, फोर की जगह पे राम, श्याम, रोहन, सोहन आने चाहिए, और सीरीज़ वन, टू, थ्री की जगह पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस आना चाहिए, तो वो कैसे करें। तो आप यहाँ पे जाओगे एडिट डाटा ऑप्शन पे, एडिट डाटा पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ लिख दो आप राम, श्याम, रोहन, सोहन, और यहाँ लिख दिया मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, कुछ इस तरीके से, कर लोगे यहाँ तक। यहाँ देखो चार्ट के अंदर भी ऑटोमेटिकली वही सारे इफेक्ट शो हो रहे हैं, लीजेंड्स में इंग्लिश, हिंदी, मैथ हो गया, और यहाँ बेस के अंदर राम, श्याम, रोहन, सोहन है, कर लोगे यहाँ तक। अभी मेरे को इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। अब यहाँ से आपके पास ये कुछ लेआउट्स आते हैं जिससे आप चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हो, मैंने इस पर क्लिक किया, इसमें कुछ इस तरीके से चार्ट आपको दिखेगा, इस लेआउट के अंदर कुछ इस तरीके से चार्ट दिखेगा, और इस लेआउट के अंदर आपको कुछ इस तरीके से चार्ट दिखेगा, कर सकते हो। यहाँ से आप चार्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको देना है, कुछ इस तरीके से जो भी देना चाहते हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, कर लोगे। अब हमें को थोड़ी सी और फॉर्मेशन भी देनी है, तो आप यहाँ से लेआउट टैब पे जाओ, लेआउट टैब के अंदर यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑप्शन है चार्ट एरिया, जब आपको कोई भी स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना है तब आप इस ऑप्शन का यूज़ करोगे, क्लिक किया मैंने, लीजेंड को सिलेक्ट करना है, ये होता है ना हमारे लीजेंड्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, क्लिक किया मैंने लीजेंड पे, हो गया एरिया सिलेक्ट। ऐसे ही अब चार्ट का टाइटल सिलेक्ट करना है, इसी एरिया, इसी ऑप्शन पे गए, चार्ट टाइटल के ऊपर मैंने क्लिक किया, हो गया वो एरिया सिलेक्ट। इसके बाद में आपको प्लॉट एरिया सिलेक्ट करना है, तो आप इसी के अंदर जाके आप प्लॉट एरिया पे क्लिक कर सकते हो, तो वो एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा, कर सकते हो। अब मैं ये चाहती हूँ कि लीजेंड एरिया जो है आपका, यानी लीजेंड्स जो है, ये होता है ना हमारा, इसके अंदर एक बैकग्राउंड में कलर देना, तो वो कैसे देंगे। सबसे पहले तो यहाँ से उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो, लीजेंड पे करना है, लीजेंड को सिलेक्ट किया, हो गया ये सिलेक्ट। इसके बाद आप जाओ फॉर्मेट सिलेक्शन पे, फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक किया हमने, यहाँ से फिल पे गए,
फिल के अंदर आप कलर देना है तो सॉलिड फिल, कोई पिक्चर देनी है तो पिक्चर और टेक्सचर फिल, अगर कोई कलर भी देना है और उसके साथ कॉन्ट्रास्ट भी देना है तब आप ग्रेडियंट फिल का यूज़ करोगे। मुझे नॉर्मल कलर देना है तो कलर पे गए, यहाँ से जाके आप वो कलर दे सकते हो, वो देखो उसी के बैकग्राउंड में वही कलर अप्लाई होता जाएगा। कोई पिक्चर देनी है, पिक्चर और टेक्सचर पे जाओगे, फाइल पे गए, पिक्चर ये ली मैंने और इंसर्ट कर दिया और इसको कर दिया क्लोज, तो वहाँ पे वही आ गई पिक्चर। कर लोगे भाई? अब मैं चाहती हूँ यहाँ से चार टाइटल के ऊपर भी कोई कलर देना है, तो यहाँ से गए हम इस ऑप्शन पे, चार टाइटल को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सिलेक्शन पे जाएंगे कलर देने के लिए, यहाँ से सॉलिड फिल कलर और क्लोज कर दिया इसको, आ गया ना वहाँ पे कलर। अब मैं चाहती हूँ कि जो जो फॉर्मेटिंग मैंने अभी अभी अप्लाई करी है वही सारी फॉर्मेटिंग पहले की तरह रिमूव करनी है, यानी जैसे पहले था ना आपका डेटा वैसे ही करना पहले की तरह, तो कैसे होगा? तो आप यहाँ से उस ऑप्शन को सिलेक्ट करो और रीसेट टू मैच स्टाइल के ऊपर क्लिक कर दो, हो गया पहले की तरह। ऐसे ही मुझे लीजेंड्स का करना है तो यहाँ से लीजेंड को सिलेक्ट किया, अब किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बच्चों? रीसेट टू मैच स्टाइल पे, कुछ इस तरीके से कर लोगे। अगर आपको चार्ट के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है आप पिक्चर पे जाओगे, पिक्चर इंसर्ट, देन इंसर्ट किया। अब इस पिक्चर का साइज छोटा करना है, इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करो, कॉर्नर पॉइंट पे कर्सर को लेके गए, कंट्रोल बटन को प्रेस रखो, देन इसको अंदर की तरफ हम ड्रैग करेंगे कुछ इस तरीके से, फिर आप इस पिक्चर को उठा के कहीं पे भी मूव करवा लोगे। कर लोगे? मुझे कोई शेप इंसर्ट करवानी है तो शेप्स पे जाएंगे, यहाँ से वो शेप सिलेक्ट करो और यहाँ पे वो शेप ऐड कर दो, कुछ इस तरीके से कर सकते हो ना। कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए ताकि उसमें डाटा लिखना है तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे जाओ, अब यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स के लिए एरिया कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं। कर लोगे भाई? अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है चार्ट टाइटल का, ठीक है, अभी हमारे पास चार्ट टाइटल आ रहा है, यहाँ से इसको हटाना है, चार्ट टाइटल पे जाके नन पे क्लिक कर दो, हट गया वहाँ से। मैं चाहती हूँ चार्ट टाइटल आना चाहिए, तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट आता है अबव चार्ट, अबव चार्ट पे क्लिक करते हैं सबसे पहले। जैसे ही आप अबव चार्ट पे क्लिक करोगे तो चार्ट एरिया से ऊपर की तरफ आपके पास चार्ट टाइटल आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इस पे करती हूँ सेंटर ओवरले टाइटल, तो ये क्या करेगा, चार्ट के ऊपर दिखेगा, यानी ये जो लाइन्स आ रही हैं इसके ऊपर आ गया ना, तो हम यहाँ से क्या रखते हैं इसको अबव चार्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड। कुछ इस तरीके से ऐसे मेरे को एक्सिस भी शो करवानी है कि ये डेटा कौन से को शो करवाता है, तो एक्सिस टाइटल पे गए, हॉरिजॉन्टली शो करवानी है तो यहाँ से टाइटल बिलो एक्सिस पे क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पे आप टाइप करो दिस एक्सिस डिनोट्स द स्टूडेंट एरिया, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही अब आपको वर्टिकल में भी लगानी है तो आप एक्सिस टाइटल पे जाके वर्टिकल पे जाके यहाँ से वर्टिकल में दे सकते हो, रोटेट में चाहिए कुछ इस तरीके से, अगर आपको इसको वर्टिकल में चाहिए तो कुछ इस तरीके से लेके आओगे, अगर आपको ये भी हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करो कुछ इस तरीके से। मुझे वर्टिकल में चाहिए, वर्टिकल एक्सिस के अंदर क्लिक किया हमने वर्टिकल टाइटल पे कुछ इस तरीके से, यहाँ लिख दिया मैंने सीरीज लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर यहाँ लिख देते हैं एग्जाम रिकॉर्ड, कुछ इस तरीके से कर लोगे भाई। अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है लीजेंड का, कि ये जो लीजेंड है वो अभी कहाँ है, राइट साइड में, इसको लेफ्ट में चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, तो लीजेंड पे जाके आप क्लिक करो शो लीजेंड एट टॉप पे, तो वो लीजेंड टॉप में चले जाएंगे, बॉटम में लेके जाना है बॉटम पे क्लिक करोगे, अगर लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट पे क्लिक कर दोगे, मुझे राइट में चाहिए तो मैंने राइट पे क्लिक किया, कर सकते हो ना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डाटा लेबल्स का, डाटा लेबल्स का काम होता है कि जब आपके पास यहाँ पे ये जो बार बन रहे हैं इनका ये नहीं पता कि ये कौन से नंबर का है,
यानी इनकी वैल्यू क्या है जो इसको शो करवाए। तो डाटा लेबल्स पे जाके आप सेंटर पे क्लिक करोगे तो हर एक के बीच में आएगा। नीचे जाइए सबके डाटा लेबल्स में, इनसाइड एंड पे क्लिक करोगे तो सभी के बेस में आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से ऊपर एंड पॉइंट पे, इनसाइड बेस पे क्लिक करोगे तो सभी के नीचे वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे शो करेगा बार्स के अंदर। आउटसाइड एंड पे क्लिक करोगे तो ये बार से बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता हुआ तुम्हें मिलेगा। हटाने हैं इसको, डाटा लेबल्स पे जाके नन के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, कर सकते हो। मुझे यहाँ से लीजेंड भी हटाने तो मैंने यहाँ से कर दिया नन। अब आपको डाटा टेबल शो करवाने है कि ये जो चार्ट बना है वो कौन सी टेबल का चार्ट बना है। तो हम गए डाटा टेबल पे, शो डाटा टेबल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास आ गई डाटा टेबल। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता चल रहा इसके अंदर कि ये जो इंग्लिश का डेटा है वो कौन से को डिनोट कर रहा है, हिंदी का डेटा कौन से को डिनोट कर रहा है। तो आप डाटा टेबल के अंदर क्लिक करोगे शो डाटा टेबल विद लीजेंड कीज, कुछ इस तरीके से। तो ये डार्क ग्रीन कलर जो है वो इंग्लिश को डिनोट कर रहा है, लाइट ग्रीन कलर हिंदी को, और ये जो बिल्कुल ही लाइट ग्रीन कलर है वो आपको मैथ के एरिया को। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सिस का। एक्सिस का काम होता है जब आपके पास ये जो नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको आपको कन्वर्ट करना मिलियंस में, थाउजेंड में। पहले मैं यहाँ से एक्सिस हटा देती हूँ दोनों, नन, यहाँ से इसको भी नन, डाटा टेबल पे जाके इसको भी नन, इसको भी डिलीट किया, इसको भी, और यहाँ से इसको भी। अब हमें इसके नंबर्स को चेंज करना है। एक्सिस पे गए, यहाँ से आप शो एक्सिस इन थाउजेंड पे क्लिक करोगे, थाउजेंड में आ जाएगी। अगर आपको इसको मिलियंस में, बिलियंस में करना तो आप इन पे क्लिक करके इसको पहले की तरह कर सकते हो, मिलियंस में। फिर से पहले की तरह करना है, शो डिफॉल्ट एक्सिस के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, होगी हमारी पहले की तरह। अब आपको ग्रिड लाइन शो करवानी है, यहाँ पे कुछ लाइंस दिख रही होंगी आपको हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ से जब आपको कुछ लाइंस चाहिए, माइनर ग्रिड लाइंस आ गई, दोनों ही चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करोगे मेजर और माइनर पे। तो यहाँ देखो ये जो डार्क लाइन आ रही है वो मेजर है, और जो अंदर की तरफ पतली पतली लाइन आ रही है वो आपकी माइनर ग्रिड लाइंस है। ऐसे आपको वर्टिकल में चाहिए तो मेजर माइनर पे क्लिक किया मैंने, तो ये मेजर और माइनर दोनों ही ग्रिड लाइंस आपके पास शो हो रही है, कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लॉट एरिया की। प्लॉट एरिया क्या होता है, जितने पे आपका चार्ट बन रहा है, यानी जितने पे आपको ये कुछ लाइंस दिख रही है ना, इतना होता है हमारा प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया पे गए, अब यहाँ से शो प्लॉट एरिया क्लिक है, पता तो नहीं चल रहा कौन सा एरिया। तो मैं पहले यहाँ पे कलर लेके आती हूँ, मोर प्लॉट एरिया, सॉलिड फिल, क्लोज कर, कि जहाँ पर भी रेड कलर आ रहा है वो कौन सा एरिया आपका प्लॉट एरिया। अब इस प्लॉट एरिया को हाइड करना है तो प्लॉट एरिया पे जाके नन के ऊपर क्लिक कर दो, वहाँ से वो प्लॉट एरिया क्या हो जाएगा आपका, हाइड हो जाएगा। अब आगे के ऑप्शन ये क्या है, हाइड है, तो ये शो कब होंगे, जब आप किसी भी चार्ट को 3D के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो 3D का चार्ट कैसे कन्वर्ट होगा, डिज़ाइन पे जाएंगे, यहाँ से जाके आप चार्ट स्टाइल के अंदर इसको, या फिर हम इसका चार्ट का टाइप ही चेंज कर देते हैं, चेंज चार्ट टाइप, यहाँ से इस ऑप्शन पे गए, देन ओके कर दिया, हो गया आपका ये 3D के अंदर कन्वर्ट। लेआउट पे गए, चार्ट वॉल को शो करवाना है, ये जो एरिया होता है आपका ये होती है चार्ट वॉल, नहीं दिख रहा ना कुछ भी। तो अब हम जाके यहाँ से कलर दे देते हैं, ये देखो ठीक है। ऐसे अब आपको फ्लोर को शो करवाना है, चार्ट फ्लोर, और यहाँ से जाके आप फ्लोर के ऊपर कलर दे दो कुछ इस तरीके से। ऐसे ही अब आपको इसको रोटेट करना है तो 3D रोटेशन पे जाके आप एक्स एक्सिस से कितना रोटेट करना है यहाँ देखना, चार्ट के ऊपर यहाँ देखना बच्चों, यहाँ है देखो हो रहा है ना रोटेट। ऐसे आपको वाई एक्सिस के थ्रू रोटेट करना है तो कुछ इस तरीके से करोगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से करेंगे, कर लोगे यहां तक। फिर ये जो नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं ट्रेंड लाइंस, लाइंस अप डाउन बार्स, एरर बार्स, इसके लिए आपको लाइन चार्ट चाहिए। डिज़ाइन पे गए, चेंज चार्ट टाइप, लाइन चार्ट, ओके ये लाइन चार्ट आ गया आपके पास। अब आप यहाँ से ट्रेंड लाइन काम क्या करती है, यहाँ से एक बार मैं प्लॉट एरिया को हटा देती हूँ। अब ट्रेंड लाइन क्या काम करती है, किसी भी एक लाइन को यानी किसी भी एक सीरीज को शो करवाती है कि वैल्यू कितनी इंक्रीजिंग में थी, कितनी डिक्रीजिंग में थी।
तो इन सभी ऑप्शन का यही काम होता है। ट्रेंड लाइन पे गए या किसकी दिखानी है मेरे को, सपोज हिंदी की देखनी है, हिंदी पे क्लिक किया देन ओके किया। यहाँ ये देखो एक लाइन दिख रही है ग्रे कलर की, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है जो आपको शो करवाती है कि पहले वैल्यू कितनी इंक्रीजिंग थी कितनी डिक्रीजिंग थी, अब ये वैल्यू कितनी इंक्रीजिंग और कितनी डिक्रीजिंग हुई है। तब हम यूज़ करते हैं इन ऑप्शंस का। फिर जाते हैं लाइंस पे, ड्रॉप लाइन क्या काम करती है कि जहाँ जहाँ पे आपकी वैल्यू गिरी थी यानी डाउन में गई थी उन उन लाइंस को शो करवा देगा। अप डाउन बार्स काम करता है कि जितने आपके बीच में क्या है इन पे कितनी इंक्रीजिंग हुई है और कितनी डिक्रीजिंग हुई है। लास्ट वाला सेल वाइट क्यों है, क्योंकि ये वैल्यू अभी भी चली रही है कॉन्टिन्यूसली। फिर एरर बार्स आपको यहाँ पे ये लाइन शो करवाता है कुछ इस तरीके से कि वैल्यू कितनी इंक्रीजिंग और कितनी डिक्रीजिंग रही है। तो यही काम होते हैं इन चारों ऑप्शंस के, जब आपको किसी भी वैल्यू को इंक्रीज कितना कर रहा है वो और डिक्रीज कितना कर रहा है तब उस एरिया को शो करवाना होता है। कर लोगे भाई यहाँ तक? तो एमएस वर्ड के अंदर अभी हम इतना ही करेंगे, बाकी का टॉपिक करने के लिए इसी चैनल पर जुड़े रहें। अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।